सभी देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। मैं आपको लेकर चलता हूं कोस्ट की तरफ। कोस्ट मतलब तट जो होता है, पश्चिमी तट, वेस्टर्न कोस्ट इंडिया का। अब देखिए कोस्ट जो है वहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें होती हैं खाने की, और एक जो बढ़िया चीज़ होती है हमारे कोस्ट में सब तरफ, चाहे वो वेस्टर्न हो, सदर्न हो, ईस्टर्न हो, नारियल बहुत होता है। तो अगर हम नारियल के साथ में नारियल की स्वीटनेस अगर देखें तो उसके साथ में बहुत सारी चीज़ें और जुड़ जाती हैं। और कोस्ट पे क्या होता है, सी फूड बहुत होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक रेसिपी बनाई जाए जो कोस्टल स्टाइल में हो और उसमें सारे स्वाद हों और प्याज के साथ में। और प्याज जो है वो इसलिए क्योंकि मेरे पास में स्पेशल प्याज है। तो ये जो स्पेशल प्याज है, किंग्स ड्राइड अनियन है मेरे पास, और ये जो ड्राइड अनियन है स्लाइस किया हुआ। अब कितना मुश्किल होता है, प्याज को पहले छीलो फिर उसके बाद में स्लाइस करो, काटो, पकाओ। अब यहाँ पे तो ये ड्राइड है, सब कुछ सारा काम हुआ हुआ है, तो इतना आसान हो जाए काम तो फिर क्या करना है। ये जो रेसिपी है इसमें स्वाद दुगना हो जाएगा। ये मैं ले लेता हूँ, ये ले लिया। अब चिली तो मुझे चाहिए ही थी तो चिली ले लेता हूँ। चिली के साथ में फ्रेश नारियल ये ले लिया, उसके साथ साथ थोड़ा गार्लिक का टेस्ट, थोड़ा सा जीरा, अच्छा उसके साथ में धनिया, थोड़ा सा इसके अंदर पेपरकॉर्न और मस्टर्ड सीड्स। अच्छा अब इसको पीसने के लिए पानी, वाह क्या बढ़िया रंग आ गया इसका, ये देखते हैं क्या बात है। मैं देखिए प्याज भी है, सूखा हुआ जो प्याज डाला है, चिलीज भी हैं और नारियल भी है। अच्छा प्याज की बात कर रहे हैं तो एक काम करते हैं, ज़रा ये मेरे पास में थोड़ा और प्याज है। मैं देखिए ड्राइड अनियन से कितनी लाइफ आसान हो गई मेरी, क्यों, क्योंकि ये मैं ले के इसको अब थोड़ा सा इसमें फ्रेशनेस दे देता हूँ। थोड़ा सा इसके अंदर गरम पानी और बस 3-4 मिनट इसको इसी तरह से रखता हूँ, ये हाइड्रेट हो जाएंगे, थोड़ा सा इसके अंदर पानी आ जाएगा तो ये पेस्ट तैयार होगी। अब इसे बनाने के लिए ये मैं बना रहा हूँ फिश करी, वेस्टर्न कोस्ट के स्टाइल में कोस्टल फिश करी है ये। तो ये जो है ये मैं वेजिटेबल ऑयल ले रहा हूँ, फिश मैं यहाँ पे जो है वो यूज़ कर रहा हूँ। ये मेरे पास में फ़िश मैंने रखी हुई है पॉम्फ्रेट। चलिए ये बढ़िया से इसमें से तेल गरम हो गया, खुशबू अच्छी सी आ रही है। तो ये करी पत्ते, ये नाइस, और ये जो प्याज है ड्राइड अनियन, फ्रेश अनियन जैसे हो गया है, ये थोड़ा सा इसमें डाला तो कैसे फटाफट अब ये तैयार हो जाएगा। लुक एट दिस, नाइस, बस खुशबू अच्छी आने लग गई। अब ये कोई कह सकता है कि ये पहले कभी ड्राइड अनियन था, बिल्कुल नहीं। अब इसके बाद में ये जो हमारे पास है पेस्ट, इसके अंदर भी प्याज, लाल मिर्च, लहसुन, कोकोनट, ये सारी चीज़ें, ज़रा ये जो पूरा मसाला है ना, धनिया भी है, जीरा भी है, सब कुछ, सारे जो स्वाद हैं ये सारे स्वाद, ये लो जी, वाह एकदम बढ़िया सी खुशबू आ रही है, लुक एट द कलर। ये मिक्स किया, इसके साथ में नमक, गरम होना शुरू हो गया है ये, बस, और बस ये जो फिश है नाइस, बहुत बढ़िया दिख रहा है। ढक्कन लगा देते हैं और ढक्कन लगा के इसको मीडियम हीट पे बस 8-10 मिनट पकाना है, ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, फ़िश को ओवरकुक नहीं करना। फ़िश के अंदर ना थोड़ा सा खट्टा टेस्ट भी चाहिए हमें, तो खट्टे टेस्ट के लिए क्या करेंगे, खटाई डालेंगे। खटाई क्या डालेंगे, खटाई में एक काम करते हैं,
इमली का पेस्ट डालते हैं, इमली का पल्प। देखिए क्या बढ़िया से ये बस उबल रहा है, तो ये इमली का पल्प एंड इसे कर दिया मिक्स। हाँ हाँ हाँ, फिश जो है एकदम मज़े से तैयार हो रही है। और जो मेहनत वाला काम था प्याज वाला, वो तो आसान हमारे लिए हो ही गया था, क्योंकि हमने इसमें किंग्स ड्राइड अनियन इस्तेमाल कर लिए थे। तो अगर खाने में आपने अनियन इस्तेमाल करने हैं, तो अब आपके पास में चॉइस है दैट यू कैन यूज़ ड्राइड अनियन स्लाइस वाले इस्तेमाल कर सकते हैं, स्लाइस एंड फ्राइड इस्तेमाल कर सकते हैं, एज अ गार्निश इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, एम्बिएंट टेम्परेचर पे रहता है, जब भी आपने इस्तेमाल करना है कर लिया, कितनी आसानी से खाना बन जाता है, राइट। चलिए चेक कर लेते हैं इसको, स्मेलिंग गुड। खुशबू बहुत अच्छी है, मज़ेदार स्वाद। जो प्याज है वो एकदम उठ के आ रहा है, उसके साथ में नारियल, मिर्च, बाकी मसाले, फिश तो है ही बढ़ गया। चलिए बनाइए, खाइए।